आगरा से बड़ी खबर, जहां पर शाहजहां उर्स को लेकर विरोध जारी है। एएसआई दफ्तर पहुंचे हिंदू महासभा के पदाधिकारी। हिंदू महासभा ने एएसआई के अफसरों को ज्ञापन सौंपा है। तो शाहजहां उर्स पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और एएसआई से शाहजहां उर्स पर रोक की ये मांग, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 6 से 8 फरवरी तक शाहजहां उर्स का आयोजन किया गया है कमेटी की तरफ से। ताजमहल में शाहजहां उर्स को लेकर विरोध भी दूसरी तरफ हिंदू महासभा के द्वारा किया जा रहा है। तो बता दें कि एएसआई से शाहजहां उर्स पर रोक की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी ही शान के साथ में ये उर्स महोत्सव मनाया जाता है ताजमहल में। 6 से 8 फरवरी तक ये महोत्सव बनेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा के पदाधिकारी इसका विरोध करने के लिए एएसआई दफ्तर पहुंचे। यहाँ हिंदू महासभा के संजय जाट हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी या कैसे इस उर्स को रोकेंगे, क्योंकि उर्स तो कल से शुरुआत हो रही है? देखिये, उर्स का रोकने का काम मेरा नहीं है, उसको रोकने का माननीय न्यायालय का। जब माननीय न्यायालय, हम लोगों ने बात दाखिल कर दिया है राजकुमार राजे की, हम पर एक आरटीआई है, आरटीआई के इन पर कोई परमिशन नहीं है, सबसे पहला काम। दूसरा नाम है, सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिसमें शुक्रवार के दिन, केवल शुक्रवार के दिन स्थानीय मुस्लिमों को नमाज की आज्ञा दी गई है। एक बात बताइए, इन पर क्या परमिशन है? 144 हम तीन आदमी एक जगह खड़े नहीं हो सकते, चार आदमी एक जगह नहीं खड़े हो सकते, या 1,00,000 आदमी के साथ चादर चढ़ाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये कानून की पूरी तरीके से धज्जा उड़ाएंगे। तो हम सीपी साहब से भी अनुरोध करें, एक कॉपी हमने सीपी साहब को भी मेल करी है, एक कॉपी हमने भारत सरकार को भी मेल करी है और एक जिलाधिकारी आगरा को भी मेल करी है। कमेटी के जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि आप माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए बात करें, क्योंकि वो बरसों से उर्स मनाते चले आ रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, ऐसा है, देखो, माहौल खराब करने वाली बात तो यह है कि अगर जब तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी उसका कोई केस दाखिल नहीं किया गया, तब हिंदू हिंदू भाई भाई, उसके बाद अगर हमने केस दायर कर दिया तो हम काफिर हो गए। ज्ञान बापी में जब तक पूजा होती रही 300-400 साल, जब तक हमने कुछ नहीं कहा, तब तक मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज हमने ज्ञान बापी पर जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो हम मतलब काफिर हो गए। हम इसको हाईकोर्ट के ले आए। आप एक बात ध्यान रखिए, पहले बाबर, उसके बाद औरंगजेब, अब शाहजहां की बारी है। अगर तेजो महले के अंदर उर्स होगा तो सिर्फ तांडव भी होगा। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर ऐलान किया है हिंदू महासभा ने कि ताजमहल तेजो महले है, अगर तेजो महले में उर्स होगा तो यहाँ पर हिंदू महासभा अपने भी आयोजन करेगी, जिसको उसे कोई नहीं रोक सकता। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। कानपुर से बड़ी खबर है।